यहाँ पर मैंने बोतल का कैप यूज़ किया है बच्चे को कलर सिखाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने फ्लावर भी ड्रॉ किया है। देखिए बोथ साइड टेप से मैंने ये फ्लावर बनाया है, इससे आप अपने बच्चे को कलर भी सिखा सकते हैं। बच्चे को ये बहुत अच्छा भी लगने वाला है। नेक्स्ट पेज में मैंने यहाँ पर डिफरेंट शेप ड्रॉ किया है। साथ ही साथ बच्चों को आप कलर मैच भी कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट शेप मैंने ड्रॉ किया है, इससे आप बच्चे को शेप भी सिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये पेज कुछ इंटरेस्टिंग है बच्चे के लिए, आप इसे इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखा सकते हैं, सेम कलर की चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने काउंटिंग सिखाया है बीट्स डाल के, बच्चे यहाँ पर काउंट भी सीख सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा पज़ल भी तैयार किया है, देखिए बहुत ही सिंपल पज़ल है, छोटे बच्चे के लिए बहुत ही आसान है। ये मैंने लेफ्ट और राइट हैंड सिखाया है बच्चे को। यहाँ पर एक फिशरी गेम मैंने बनाया है, देखिए ये बनाना बहुत ही सिंपल है, देखिए बिल्कुल ही आसान है, मैग्नेट से बना है ये, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करना। देखिए यहाँ पर मैंने बिग और स्मॉल सिखाया है, ये देखिए हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन दिखाया है, कौन कहाँ पर चलता है ये मैंने दिखाया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने सीजन सिखाया है डिफरेंट, जैसे कि गर्मी में आइसक्रीम हम लेते हैं, रेनी सीजन में हम छाता यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी मैंने काउंटिंग सिखाया है, बच्चे यहाँ पर काउंट करेंगे और नंबर बॉक्स पे बिठाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है। पर हम बच्चे को फिगर सिखा सकते हैं, आईज आईब्रो नोज। यहाँ पर एक मैंने पार्क बनाया है, देखिए बच्चे को बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर मैंने मैचिंग सिखाया है सिंपल तरीके से। यहाँ पर भी मैंने मैचिंग शेप सिखाया है, बच्चे से घूम सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी बच्चे को बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर मैंने एक गेम बनाया है बच्चे को, ये बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चे को। पर डे और नाइट, सन और मून से सिखाया है मैंने। यहाँ पर देखिए एनिमल्स बनाए हैं, बर्ड बनाए हैं, कौन कहाँ पर रहता है। यहाँ पर मैंने किचन गेम बनाया है, बच्चे को इस वक्त किचन गेम
पर इंटरेस्ट रहता है, इसलिए तो मैंने डेली रूटीन ड्रॉ किया है। तो ये बुक बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको ये बुक अच्छा लगा तो घर में जरूर ट्राई करना। थैंक यू।